ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आदरणीय हरबंस कपूर जी बहुत सीनियर मोस्ट विधायक थे और वो तब विधायक थे जब जनसंघ के नाम पे कोई चुनाव लड़ते हुए लोग सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते थे कि वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो जीते प्रथम बार तो लोग देखने के लिए आते थे कि हमारा विधायक, हमारी विचारधारा का विधायक कैसा हो। 8 बार तक लगातार उत्तर प्रदेश के समय से लेकर आज तक वो चुनाव कभी हारे नहीं। देहरादून, जब हम देहरादून विधानसभा होती थी उत्तर प्रदेश के समय में तब भी, और आज जब ये कैंट विधानसभा बन गई तब भी लगातार वो जीतते रहे। और उनका जो शैली थी वो लोगों से पारिवारिक रिश्ते बनाने की रही, परिवार की तरह लोगों से मिलते थे, हर व्यक्ति को नाम से जानते थे, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, लोग उनसे प्यार करते थे, वो वहाँ के लोगों से, और एक जो पारिवारिक रिश्ता होता है वो रिश्ता कहीं ना कहीं कपूर साहब ने बनाया। और कपूर साहब बहुत सादगी पसंद इंसान थे, जीवन भर अपनी स्कूटर पर नज़र आए, फिर नैनो कार में, जब बाईपास हो गई तो नैनो कार में नज़र आए, तो वो सब ने देखा कि एक सामान्य इतना बड़ा कद का व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हों, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, इतने पुराने सीनियर विधायक हों, उसके बावजूद भी जब उनसे छोटा कार्यकर्ता मिलता था तो उसे अपने, वो कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराते थे, किसी को, सबको गले से लगाते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, और आदमी को लगता था इतने बड़े व्यक्ति के साथ मैं मिलकर आया हूं तो मैं भी बड़ा हो गया हूं। बड़प्पन क्या है जो उनसे सीखने को मिला, उनके आचरण से सीखने के लिए मिला? आज मन बहुत दुखी है, जिन्होंने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, संपूर्ण जीवन जिन्होंने हमेशा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे वो एक तरह से मार्गदर्शक भी थे और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज उनका हमारे बीच से जाना हमारी पूरे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आज बहुत दुखी मन से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को, सभी कार्यकर्ताओं को इस असीम दुख को जो कि अचानक आया है इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।